और अब खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले पुणे के इंजीनियर को नागपुर के सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। 24 वर्षीय आरोपी गौरव आनंद कुमार जगनानी केशव कुंज पुणे का रहने वाला है। गौरव की पीड़ित युवती से 3 साल पहले वैवाहिक साइट पर पहचान हुई थी। उसने युवती को शादी का झांसा दिया और उसने खानापूर्ति के तौर पर युवती से शादी कर ली। सितंबर माह में सीतावर्डी के एक होटल में ले जाकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद उसे पुणे ले गया और वहां गौरव के परिजनों ने युवती से अपने सामने शादी करने को कहा। इसके लिए 40 लाख रुपयों की मांग की। इस बर्ताव के बाद युवती नागपुर आ गई, जिसके बाद उसने सीतामढ़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। गौरव की खोज में सीतामढ़ी पुलिस का दल पुणे गया था, उसे गौरव के नागपुर आने का पता चला। इसके आधार पर गुरुवार को एक होटल में दबिश देकर गौरव को पकड़ा गया। गौरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह अपने भाई के साथ एक होटल में ठहरा था। 16/10/2021 आमच्या पोलीस स्टेशनला पीडित मुलगी येऊन तिने आम्हाला माहिती दिली की आरोपी गौरव आनंद कुमार जगनानी यांनी त्यांच्यासोबत लग्न केले आणि लग्नाआधी जबरदस्तीने त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले। लग्न झाल्यानंतर त्यांनी त्यांना सांभाळण्यास नकार दिला। मग त्याच्यानंतर आरोपी त्यांना त्यांच्यासोबत घेऊन नाही गेले घरी, त्यांच्या राहत्या घरी। मग त्याच्यानंतर त्याच्या वेळेला आल्या पीडिता आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला की त्यांना हुंड्याची मागणी करण्यात आलेली होती त्यांच्या सासरकडच्याकडून। त्यांचे सासरे आनंद कुमार जगनानी आणि दीर सौरव कुमार जगनानी यांच्याकडून त्यांना हुंड्याची मागणी झालेली होती। तसेच त्यांचे पती यांच्याकडून त्यांच्यावरती जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवण्यात आलेले होते लग्नाआधी आणि लग्न झाल्यानंतर। या सगळ्या याच्यावरती मग नंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला आणि ज्यावेळेला आम्ही आरोपीचा शोध घेत होतो तपासादरम्यान आम्हाला समजलं की आरोपी हा पुण्याचा रहिवासी असून त्यावेळेला आम्ही लोकेशन ट्रेस केलं असता आम्हाला आरोपी हा नागपूर येथेच मिळून आला। मग त्या आरोपी मँगो हॉटेल गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मिळून आला, त्यानंतर ताब्यात घेतले आणि सध्या पुढील तपास चालू आहे।